नमस्कार, मैं दीपाली गौतम आपका स्वागत करती हूं एनबीसी 24 पर। शॉपिंग का शौक किसको नहीं है, और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक ऐसी ही वीडियो को लेकर। कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, चाहे वो ग्लासेस हो या फिर शॉल या फिर कैप हो, पटना जंक्शन मार्केट पर आज हमारी टीम गई थी और हम वहां गए थे आपके लिए उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। वहां पर सिर्फ 150 से 500 रुपए के बीच में आपको जैकेट, श्रग्स, टोपी, यहां तक कि शॉल भी मिल जाएंगे। आज हमारी टीम के साथ हमने उस पूरे मार्केट को एक्सप्लोर किया है और हम चाहेंगे कि अगर आपको भी ऐसी ही अच्छी क्वालिटी और अच्छे दाम में अगर कपड़े चाहिए तो आप जरूर उस मार्केट को विजिट करें। शॉल और स्कार्फ ये हमेशा फैशन में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरीके के शॉल मौजूद है और उनका दाम हम इनके जो ओनर है उनसे पूछेंगे। अंकल, अंकल ये शॉल कितने की है? 200 रुपए की। तो जैसा कि आपने सुना, सिर्फ 200 में शॉल मिलना आज के टाइम पे थोड़ा सा विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन आपने सही सुना, सिर्फ 200 में शॉल। तो यहाँ पर आए और शॉल, जैकेट, ज्वेलरीज, कैप्स, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वैरायटी ही वैरायटी है, ज़रूर यहाँ पर आए और इस मार्केट को एक्सप्लोर करें। छोटे बच्चों के लिए नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्ग और आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कुर्ती हो, जीन्स हो, दुपट्टे हो, टोपी हो या फिर चश्मे हो, आपके लिए हर एक वैरायटी की चीज़ यहाँ पर मौजूद है और वो भी किफ़ायती दाम पर। अब हम आएंगे और हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उसे थोड़ी बातचीत करेंगे। अंकल, आप हमें ये बताएं कि इन कुर्तियों का दाम कितना है? 250। तो यहाँ पर कुछ ग्राहक ऐसे भी आपके पास आते होंगे जिनको लगता होगा कि 250 भी बहुत ज्यादा दाम है, तो आप उनसे कैसे बातचीत करते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं? एक दाम का है, जो लेना लीजिए ना, तो कोई बात नहीं। और आपकी महीने की कमाई कितनी हो जाती है इससे? कहाँ महीने की कमाई आ रहा, अभी कहाँ आ रहा, तो लॉस में ही जा रहा। तो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा जो है हमारा जो व्यापार है और ये सब कुछ है वो बहुत ज्यादा ठप हो गया है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाह रहा, ये तो बीमारी है ही, उसमें आदमी को तो थोड़ा सा इधर उधर होना ही पड़ता है, सब होना है ही। सही बात है। तो आपको लगता है कि अगर हम लोग सिर्फ सरकार को अगर बोलते रहेंगे कि सरकार की गलती है, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, सैनिटाइजर का नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है? जी हाँ, गलती तो है। तो जैसा कि आपने सुना कि कोरोना की वजह से भी अभी कमाई जो है वो अभी तक रफ्तार पर नहीं आ पाई है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का जो थर्ड वेव है, जो ओमिक्रॉन का जो वेव है, वो धीरे धीरे हट रहा है और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो रोजगार है और जो व्यापार है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। चुके हैं जैकेट की दुकान पर, भले ही ठंड का मौसम अब जाने वाला है लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो जैकेट के शौकीन है। तो अब हम आए और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हर तरीके की कलेक्शन है, चाहे वो लेदर जैकेट हो या फिर वो बॉम्बो जैकेट हो, हर तरीके के जैकेट यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर उनके पास किस टाइप की जैकेट्स हैं और उनका प्राइस क्या है। तो अंकल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास किस तरीके की जैकेट्स हैं और किन किन लोगों के लिए जैकेट? जैकेट यहाँ हमारे पास है आपको बच्चे से लेकर 10 साल से लेकर के और सियाने तक, यानी कि 50 वर्ष तक मिलेगा यहाँ। और जैकेट का प्राइस किस प्रकार है? जैकेट बड़ा जैकेट बेच रहे हैं हम लोग 500 बेच रहे हैं, रेट घटा कर बेच रहे हैं अभी 500 रुपया में, अब बच्चे का जैकेट 400 रुपया में, 400 साढ़े 300। तो यहाँ पर लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जैकेट है? हाँ, लेडीज का भी है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर लेडीज, जेंट्स, बच्चे, हर एक एज ग्रुप के लिए यहाँ पर जैकेट मौजूद है, 500 से लेकर 400, चाहे वो 500 के जैकेट हो या 400 के जैकेट हो, जो आप मॉल में जाकर खरीदेंगे और आपको वो 1000 से कम में नहीं पड़ेंगे, वो यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के साथ मिल सकते हैं। हम अपने दर्शकों से ज़रूर ये गुजारिश करेंगे कि वो एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर इस मार्केट को एक्सप्लोर करें और थोड़ी पैसे बचाने की जो हमारी एक आदत होती है वो यहाँ आकर आपको ज़रूर उसके फ़ायदे मिलेंगे। और यहाँ पर ऐसे लोग कहते हैं कि फिक्स प्राइस है, बट बार्गेनिंग तो हर जगह इंपॉर्टेंट है।
आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे NBC 24।